जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, संसद के मानसून सत्र में जैसे ही जया बच्चन ने ये बोली कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, जी हाँ, जब से उन्होंने अपना ये कड़वाहट भरा बयान दिया है और वो भी रवि किशन को टारगेट करते हुए, तभी से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में मानो भूचाल सी आ गई है और हर कोई अपनी अपनी तरह से जया बच्चन को ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। जैसा कि पहले ही देख चुके हैं कि इस बयान से निराश भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह, निरहुआ आम्रपाली दुबे, पवन सिंह जैसे बड़े बड़े कलाकार ने जमकर खरी खोटी सुना चुके हैं, तो ऐसे में भला भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव कैसे चुप रह सकते हैं, और खासकर जब बात हो उनकी खुद की ही इंडस्ट्री के बारे में। जी हाँ, जैसे ही इस बात की भनक खेसारी लाल यादव के कान में लगी, वैसे ही अपना गुस्सा जाया करते हुए जया बच्चन के ऊपर निकालते नजर आए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर क्या बोले खेसारी लाल यादव ने। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन प्रेस कर ले। वेल, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जया बच्चन के इस बयान के बाद खेसारी लाल यादव का क्या था रिएक्शन। जी हाँ, अभी अभी खेसारी लाल यादव के फैन पेज से एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि खेसारी लाल यादव ने जया बच्चन को ट्रोल करते हुए कहा कि आप अपने खानदान को बचाने के लिए उस गंदी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, वैसी इंडस्ट्री जो पूरी तरह ड्रग में डूब चुकी है, और अगर ऐसे में हमारे रवि किशन भैया जी ने सच्चाई क्या बता दी तो लग गई है आपको मिर्ची, सच का सामना नहीं कर पाए तो तिलमिला उठे। रवि भैया जी ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोले थे जिससे आपको प्रॉब्लम हुई है, आपको तो और सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन आप कैसे देंगे सच का साथ, क्योंकि आप भी तो उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। वेल, हम आपको जानकारी दे दे कि अभी तक खेसारी लाल यादव की तरफ से कोई भी ऑफिशियल खबरें सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दे कि रवि किशन ने जो संसद में बोला है उसे खेसारी लाल यादव ने अपने सोशल नेटवर्क पर शेयर किया है, जिससे साफ पता चलता है कि खेसारी लाल यादव जया बच्चन की तरफ न होकर रवि किशन के सपोर्ट में खड़े हैं। वेल, आप हमें कमेंट करिए, बताए कि आप किनके साथ खड़े हैं, रवि किशन के साथ या जया बच्चन के साथ। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।